गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस इज योर ऑनलाइन बायो क्लासेस फॉर क्लास नाइन स्टूडेंट्स एज यू नो वी ऑलरेडी हैड कंप्लीटेड प्लांट टिश्यू पोर्शन प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्लांट टिश्यू का चार्ट भी भेजा था और एनिमल टिश्यू हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था और मैंने एनिमल टिश्यू में बताया था आपको कि एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू नर्वस टिश्यू स्केलेटल टिश्यू ओके सो नाव टूडे द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू विल बी डिस्कस्ड ओके सो वॉट इज एपिथेलियल टिश्यू इट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी या ये कह सकते हैं कि एनिमल बॉडी का यह बाहरी प्रोटेक्टिव um, लेयर होता है यह टाइटली पैक्ड होता है और इसमें इंटरसेलर स्पेस में मैट्रिक्स नहीं होता है ओके इट मे भी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड दैट मीन्स ये सिंगल लेयर का भी हो सकता है और सेवुलर लेयर का भी हो सकता है वॉट आर इट्स फंक्शंस सो इन साइड द बॉडी दिस सेल फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ कैविटी का एलिमेंट्री कैनाल का जो लाइनिंग है इस टिश्यू के कारण फॉर्मेशन होता है इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इसके कारण हमारे वेस्ट प्रोडक्ट भी एलिमिनेट होते हैं बॉडी से इट हेल्प्स इन एबजॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्ब में भी हेल्प करता है ये सेक्रेटरी फंक्शन भी करता है दैट मीन्स ये सेक्रीशन में भी हेल्प करता है ओके स्टूडेंट्स सो डिपेंडिंग अपॉन द देश एंड फंक्शन द एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज स्क्स एपिथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू कॉलमल एपिथेलियम टिश्यू एंड सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू स्टूडेंट्स आपके बुक में एक और टिश्यू दिया हुआ है ग्लैंडुलर बट बेसिकली आपके इसी फोर पार्टस में वो है जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगा तो आप बेसिकली यहाँ फोर टाइप्स के ही टिश्यूज लिखेंगे ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू It is made up of thin, flat and irregular cells. It has flat nucleus which together fit like floor tiles. It is also known as pavement epithelium. It forms the delicate lining of mouth, nose, alveoli, etc. And its function is to protect underlying parts of the body from injury, germs and chemicals. So here is the diagram of squamous epithelial tissue. Students, मैंने आपको अभी कहा था कि आपके बुक में फाइव टाइप्स के एनिमल टिश्यू दिए हुए हैं जि, uh, जिसमें फाइव टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू दिए हुए हैं जिसमें फिफ्थ का नाम था ग्लैंडुलर बेसिकली ग्लैंडुलर क्या होता है ये कॉलमनर एपिथेलियम में ही कभी कभी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है और उससे ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बनता है तो मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप फोर एपिथेलियल टिश्यू के ही पार्टस का नाम लिखेंगे स्क्वेमस क्यूबॉइडल कॉलमर एंड लास्ट वन इज सिलेड ओके स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं इस वीडियो को इसके रेस्ट थ्री पार्ट्स दैट मीन सिलियेटेड कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में तो आज आप ये नोट्स नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय